हेलो भाई, मैं अरुण पवार। ये मेरे साथ है मेरे भाई बड़े अजीत पवार। जैसा कल मैंने आपको दिखाया था XUV700, इतनी पसंद आ गई थी अपने को ना कि हमारा एक खास बंदा है भाई रिलेटेड, वो बुक करवाना चाह रहा था कार को। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे महिंद्रा के शोरूम में। वो कार की भाई रियलिटी में दिल से इच्छा हुई कि उसको चला के देखते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, और बुक करवाने का भी पूरा 100% वो है कि बुक भी करवा देंगे। अंदर चल के बात करते हैं, मिल जाए तो हमें। पर वैसे ऑलरेडी इतने लोग हैं उसके पीछे बावले हो रखे हैं, पर भाई हमारा नंबर पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा, लेकिन चल के बात करते हैं। बुकिंग तो करवा ही देते हैं, कभी ना कभी तो आ ही जाएगी कार अपनी। तो चलते हैं भाई, देखते हैं क्या हिसाब है। यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स करके शोरूम है, इधर बुक कर। तू देख रही है? नहीं, ऐसा है ही नहीं। गाड़ी बुक करवानी है। ये आज हम आए हैं XUV700 के अंदर बैठे हुए हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ पे एक सीन है भाई। अभी हम एक मूड से आए थे कि कार को बुक करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे आके कुछ और ही स्टोरी पाई। वो क्या, वो पहले आप देखिए, फिर इस कार को चला के देखेंगे। तुम बुकिंग के लिए गए यहाँ पे, वो जाके बोलते हैं कि अभी बुकिंग नहीं ले सकते भाई, क्योंकि 57 मिनट्स में 25,000 बुकिंग हो गई, और 25,000 बुकिंग ही ये लेने वाले थे, क्योंकि जो ये प्राइस आए थे ना, इंट्रोडक्टरी प्राइस था इसका। अभी भाई आप एक बात बताओ, ये 57 मिनट में 25,000 बुकिंग कैसी पॉसिबल है? ये बता रहे थे इनकी 9-10 बुकिंग हो पाई थी, उसके बाद पोर्टल बंद हो गया। और अगर आप देखते हो ना वेबसाइट भी, अगर महिंद्रा की आप देखोगे तो सुबह से 10 बजे मैंने विजिट करा तो वेबसाइट ही क्रैश दिखा रहा था, एक्सेस डिनाइड करके आ रहा था वहाँ पे। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी भी नहीं हो सकती यार कंपनी की, कि ऐसे कम प्राइस करके हाइप बनवा दो, ऊपर से अब प्राइस बढ़ा दिया। अब 8 तारीख से, आज पहले नवरात्र है, 7 अक्टूबर आज की तारीख, अब 8 अक्टूबर से नया प्राइस आएगा 10 बजे। तो यार समझ सी बाहर है यार ये गाड़ी का, XUV700 का इतनी तगड़ी हाइप और इतना तगड़ी बुकिंग की 57 मिनट में 25,000 बुकिंग हो जाए ऑल ओवर द इंडिया। बुकिंग तो कल लग जाएगी, लेकिन नई प्राइस में लगेगी। जिनमें अभी बुलाया था, जिनका फोन आया था दीपचंद जी का, अभी जिन्होंने बुक करा रखी थी ना, वाकई में सबको ही ऐसे ही बताना पड़ा। कैमरा बड़ा क्लियर है भाई, लेकिन थोड़ा सा लेग ही है, मतलब थोड़ा ऐसे एक एक सेकंड का ऐसे डिले सा रहता है। और जैसे हमने फर्स्ट गियर डाल दिया था तब भी थोड़ी देर तक ये रुकता ही है। 15 मिनट में नंबर चला के देखते हैं कैसी है यार ये। 10-15 मिनट में चली थी साइड, फिर बंद हो गई थी। ये मैनुअल चला रहे हैं आज हम, मतलब ये इसकी जो क्लच ब्रेक कुछ ज्यादा ही लाइट है, सब चीजें ब्रेक तो बढ़ गया जी। मैं भेज रहा हूँ आपको पुराने नए वाले भेज रहा हूँ प्राइजेस आपको, 300-400 बुकिंग कीजिए। ऐसा पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, 4 साल तो मैं भी महिंद्रा में, ऐसा पता ही नहीं था जी जो ऐसा हो जाएगा भाई। जो फर्स्ट इम्प्रेशन में मैं बताऊं, ये इतना मस्त लगता है, मतलब ये ऐसा लगता है कि ऊपर उठा हुआ है, ये पीछे एक साइड लगता है, ये लगता है कि हाँ हमारे छाती पे रखा हुआ, इतना तगड़ा लगता है भाई ये देखने में एकदम, बहुत मतलब बहुत ही प्रीमियम फील होता है गाड़ी को जब आप चलाते हो ना। और ये नीला कलर कुछ ज्यादा ऐसे ओल्ड लगता है रोड पे अगर आप बात करोगे तो, ऐसा बहुत ही ज्यादा चटक मटक है इस टाइप का था। देखो जिस तरीके से जितनी भारी गाड़ी नजर आती है ना, आप ड्राइविंग की बात करोगे उतनी लाइट है ये, मतलब गियर शिफ्टिंग हो गई या क्लच या फिर ब्रेक पेडल हो गए, सब कुछ बहुत ज्यादा इसका लाइट है। कोई नहीं देगा अरे भाई, पिकअप यार क्या पिकअप है, 185 हॉर्स पावर, 450 Nm का टॉर्क, ये डीजल चला रहा हूँ आज मैं। कैसे करो जी, डीजल मैनुअल जिसकी हमको बुकिंग करानी थी ना ये भाई के लिए, सिस्टम में कल करानी है या यार हम पूरी इंटेंशन से आए कि करवा के जाएंगे, अब ये बुकिंग ले भी नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज्यादा है। माइलेज ही नहीं बताई इसमें कितनी है माइलेज? माइलेज डीजल की है 17 के लिए 17। अरे गाड़ी में मजा तो पूरा है, पर एक क्लच ना कुछ ज्यादा लाइट है यार, बहुत ही ज्यादा लाइट क्लच है। हाँ सर वही, हाँ जी इनके फोन, क्योंकि देखो एक बात कॉमन सेंस आप लगा, सब लोगों ने बुकिंग करवा दी है, सबने बुकिंग करवा दी कि पुराने प्राइस पे बुक कर देंगे, अभी ये लोग नहीं कर रहे बुकिंग क्योंकि पोर्टल ही बंद हो गया, जो पोर्टल था महिंद्रा का, अब सब ये ऐसे कर रहे हैं कैंसल कैंसल कैंसल। की बात करें भाई, जैसे ये एकदम हैवी हो जा रहा है ना हाई स्पीड पे, ये चीज चाहिए यार, फॉर्च्यूनर में मिसिंग रहती है ये चीज, इसीलिए तो हाई पेस की इसीलिए बुकिंग इतनी जल्दी 25,000 बुकिंग हो गई 57 मिनट में। आज तक किसी कार की हुई होगी? नहीं अब तक नहीं है भाई, सबसे तगड़ा तो मुझे लग रहा है, जैसे इंडिकेटर दिया ना, देखना कैमरा दिखाओ इसका कैमरा
इसमें आता है एल्गजार में, पता नहीं एल्गजार से ही इंस्पायर होकर दिया है, उसमें भी आता है, उसमें सेल्टोस में किया की। देखो किया का शोरूम आ गई, इंडिकेटर दूसरी साइड को दीजिए। कौन सा मॉडल है ये? देखो यहाँ भी कैमरा है, क्या बन रहा है ये? टैजी ड्राइव हो रही है, ये पीछे भी आ रही है। अब डिलीवरी का होंगी कोई भरोसा नहीं है इनके, जो ये महिंद्रा के डीलरशिप्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 6 महीना बोल रहे हैं भाई, 6 महीने लग जाएंगे। अच्छा, कम से कम सुनो, एक बार करो, बाद में आ रहा हूँ। दिस इज द वीएल डीजल भाई, मतलब तीसरे गियर पे ऐसे 25 की स्पीड पे ऐसे उड़ती है, पावर बहुत जबरदस्त दे रखी है इसमें। देख एक आगे गई, चमा जा रही है, पावर तो है यार, हैंडलिंग बड़ी जबरदस्त है, क्लच में ना वाइब्रेशन सी है यार, हल्की हल्की सी। वो तो जैसे टेस्ट ड्राइव हर कोई हर प्रकार का आदमी चला रहा हो यार, जो कंपनी देगी आप सेट करके देगी। 661 चल गई वैसे तो ना यार, हल्की हल्की सी अजीब सी है, उस पर फील होते होते बन जाना चाहिए गाड़ी की, आते भी ज़्यादा पावर है, मतलब उससे तो कंपेरिजन बनता ही नहीं, लेकिन पावर टू वेट रेशियो अगर देखी जाए मतलब देखो मेन मेरा कंसर्न पता है क्या था इस गाड़ी के साथ, कि इसमें पाएगा बॉडी रोल, क्योंकि आप इसको ऐसे उठा दी, ये गाड़ी यहीं से लेनी है भैया सीधे जैसे उठा रखी है और उस तरीके से, मतलब भाई बॉडी रोल नहीं है गाड़ी में यार। देखो ऑन हाईवे अभी मैं 80 की स्पीड पे हूँ और मैं अभी ऐसे कार के साथ शार्प टर्न्स ले रहा हूँ, बहुत सही मैनेज कर रखा है। जैसे इनके स्कोरपियो झूलती है ना ऐसे 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 ऐसे, वो वाली सीन नहीं है इसके साथ। और भाई जितना बड़ा ये इंजन है 2.2 लीटर का, हिसाब से एनवीएस लेवल्स बहुत सही मैनेज्ड है, गियर इंडिकेटर वगैरह ड्राइवर असिस्ट वगैरह सब कुछ आता है इसमें, और ये लग्जरी पैक चला रहे हैं हम लोग, अच्छे बड़े बड़े वार है, मैं पूरा पीछे का व्यू आता है अपने को नजर। पर इतनी तारीफ करके फायदा क्या, जब बुकिंग्स ही ऐसे नहीं ले रहे। अभी आप ले लोगे हमारी बुकिंग? फिर बुकिंग ले तो लोगे, लेकिन उस पर सिस्टम पे कब अपडेट करोगे? सिस्टम कल मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में भी अगर ऐसे पोर्टल आज की तरह हो गया तो फिर आप हम आपको फोन करेंगे, फिर आप परेशान हो गए जैसे अभी हो रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस दिन गाड़ी डिलीवरी हो उस दिन के प्राइस लगेंगे, आप बुकिंग कराओ तो आप देख लेना पहले। अच्छा, मतलब है फिर या ऑनलाइन बुक करवा दें? जैसे मर्जी करो, प्राइस तो क्योंकि इस बार महिंद्रा 20 में इंक्लूडेड है ना। हाँ जी, ऐसे डीलरशिप के लेवल पे थोड़ी कुछ है। हाँ जी, वो तो नज़र रखेंगे, वो एस्टिमेट डिलीवरी डेट दे देंगे ऐसा बोला है। लेकिन पर भाई जिनकी भी ये बुक हो गई ना XUV 700R जिन्होंने बुक करवाई 7 तारीख को पहले, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत लकी हो भाई आप, क्योंकि कम प्राइस पे पड़ गई। अभी प्राइस बढ़ चुके हैं इसके, एक दिन में प्राइस बढ़ गए किसी गाड़ी के, हुआ ऐसा इंडिया में कभी? हाँ सॉरी, एक घंटे में क्या 57 मिनट दिखा रखा है वेबसाइट पे, तो 57 मिनट्स में प्राइस बढ़ गए यार। पर सर आपको नहीं लगता चाल हो सकती है या स्ट्रेटेजी पहले से ही बना रखी है उन लोगों ने कि ऐसे ऐसे कम प्राइस पे लॉन्च करके शुरुआत में हाइप कर देंगे, फिर थोड़ी बहुत बुकिंग लेके एकदम बोल देंगे कि हो गई 25,000 बुकिंग और कर दो प्राइस इंक्रीज? मतलब भाई देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे कंपास का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, कंपास गाड़ी मतलब इससे भी ऐसे थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगती है, लेकिन वो भारी फील होते हैं बहुत ज़्यादा चलाने में। इसकी आप बात करोगे तो बहुत बल्की बल्की सी है सिटी, उसके हिसाब से भी ना थोड़ी कंपास मेरे को पर्सनली हैवी हैवी सी लगी, लेकिन ये इसका स्टेयरिंग व्हील डीजल में इतना लाइट है, ये सब इतना लाइट है, अपना क्लच ब्रेक और ये गियर वगैरह, तो काफ़ी मज़ा आता है कार को ड्राइव करने में। आप इजीली इसको ऐसे सिटी में भी लेके जा सकते हो, पर वही थोड़ी बड़ी बड़ी सी है ना, तो नहीं है सिटी के हिसाब से इतनी प्रैक्टिकल, लेकिन
हाई वेज के लिए तो जैसा स्टेबिलिटी है, बॉडी रोल नहीं है इतना खाई खास कुछ भी, तो सर मज़ा तो पूरा है यार। वो X7 बहुत प्रैक्टिकल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, 21 लाख का हुआ करता था पहले, मतलब आज तक, आज सुबह 10-11 बजे तक, अभी उसके प्राइस कुछ 57 मिनट, हाँ भाई 57 मिनट, अब तो प्राइस बढ़ गए उसके तो, अब तो आपको ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा हर वेरिएंट के लिए। कार पावर वाइज मस्त है, चेक टायर डायरेक्शन, सबसे तगड़ी चीज जो है ना वो यही है ड्राइवर के लिए, देखना स्टीयरिंग इतना लाइट यार, मस्त है एकदम। चलो बस नॉर्मल फ्लिप की, ऐसे उतरते हैं ना सीट पीछे को सरी जाती है और जब आप चढ़ोगे तो फिर से अपने आप आगे की तरफ चली जाएगी, ये कमाल है इस फीचर का। क्या करना है फाइनली ये तो बताओ यार, जब बताओ ही नहीं रही तो क्या करें, है ना भाई का बहुत मन था यार, नहीं 6 महीने तक कहाँ वेट करेंगे यार, वेट छोड़ो ये ले भी नहीं रहे भाई बुकिंग, मतलब ये ले लेंगे फिर वो 400 बुकिंग के बाद तब भी लगाएंगे, तो इससे अच्छा तो ऑनलाइन ही नहीं कर देंगे अगर करनी होगी तो हमको, चलते हैं यार एक बार देखते ले, इतना रिस्क तो ले ही लेते हैं क्या, 21,000 रुपये में बुकिंग हो जाएंगे और क्या ऑनलाइन करवा देते हैं, 21,000 बुकिंग है और 2100 रुपये कटेंगे अगर अभी आप कैंसिल करवा दोगे तो, अभी जिन्होंने करवाई थी 10-11 बजे से पहले पहले तो उनकी कोई वो नहीं है, अगर वो कैंसिल करवा दे तो सारा रिफंड हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग अगर करवाएंगे तो 2100 रुपये कटेंगे। गाड़ी चलाने में बहुत बढ़िया है, मतलब जो पावर है ना वो फील होती है जब आप कार को ड्राइव करते हो, हर चीज़ में बढ़िया है, वही चीज़ है गाड़ी में, हाँ सब मस्त है भाई, हैंडलिंग वेल्डिंग सब बढ़िया लगी गाड़ी की। चलो भाई यही थी वीडियो, देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।